हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स नेस्ट। आई एम गरिमा। सो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसी आईबीपीएस और बहुत सारे बैंक्स हर साल लेके आते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, आईटी ऑफिसर्स। तो कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊं ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके, इसलिए ये मैं वीडियो आपके सामने लाई हूँ। देखिए, इस वीडियो में मैं कुछ भी एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। मैं बस करियर प्रोस्पेक्ट और वर्क प्रोफाइल क्या होती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की, इस पे ही आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ। सो देखिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स जब आप ज्वाइन करते हैं तो ये एक स्केल वन ऑफिसर की ही पोस्ट है। जैसे आप प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं वैसे ही स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं। बस ये होता है कि आपका एक डिपार्टमेंट आपको अलॉट कर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि आपको पब्लिक डीलिंग करनी है ब्रांचेस में, राइट। सो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के केस में गाइज ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ग्रेजुएशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बैंक पीओ या बैंक क्लर्क में होता है। आपको स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए आपके पास उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तभी आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर का फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। कुछ लोगों की फॉल्स थिंकिंग ये होती है, या फिर कह लीजिए मार्केट में अफवाह जैसा फैलाया जाता है, र्यूमर्स जैसा, कि एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की ग्रोथ बहुत ही कम होती है, एक लेवल पे जाके वो रुक जाती है उनकी प्रमोशन लेवल एंड ऑल। सो इस पे भी मैं बात करने वाली हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही फॉल्स थिंकिंग है। सो लेट मी एक्सप्लेन द करियर ग्रोथ ऑफ एन स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर आप स्केल वन ज्वाइन करते हैं, फिर हर 3-4 साल में आपको प्रमोशन मिलता जाएगा, एलिजिबल होते जाएंगे, प्रोवाइडेड यू क्वालिफाई द टेस्ट। आप मैक्सिमम स्केल 3 जो कि सीनियर मैनेजर की पोस्ट होती है, या फिर स्केल 4 जो कि चीफ मैनेजर की पोस्ट होती है, इसी कैडर में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रोल में आप अप टू स्केल 3 या स्केल 4 ही आप जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरी जिंदगी स्केल 3 या स्केल 4 ही में रह जाएंगे अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं तो। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो बैंक पीओ ज्वाइन करता है वो सीईओ भी बन सकता है, बट स्पेशलिस्ट ऑफिसर नहीं बन पाते हैं, वो चीफ मैनेजर तक ही जा पाते हैं मैक्सिमम स्केल 4 तक। तो ये बिल्कुल गलत है गाइज। होता ये है कि कुछ बैंक में स्केल 3 या कुछ बैंक में स्केल 4 ऑफिसर्स तक आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर रहते हैं, और उसके बाद आपका डिपार्टमेंट चेंज करके आपको जनरलिस्ट ऑफिसर बना दिया जाता है। यानी कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा और फिर आप जनरल बैंकिंग में जो ऑफिसर्स होते हैं उनमें आप आ जाएंगे, मतलब आपको ब्रांचेस में काम करना पड़ेगा, राइट। फिर जो भी देखिए पॉलिसीज एक नॉर्मल ऑफिसर्स जो ब्रांचेस में काम करते हैं उन पे लागू होती है, सेम प्रमोशन आपके पे भी लागू होगी, तो आप भी सीईओ या एमडी लेवल तक जा सकते हैं। इनफैक्ट मैंने जिनके साथ काम किया था, मेरे प्रीवियस ब्रांच मैनेजर, वो खुद स्पेशलिस्ट ऑफिसर थे, आईटी ऑफिसर, उन्होंने फिर उनका जनरलिस्ट ऑफिसर हो गया और वो एज अ चीफ मैनेजर हमारे ब्रांच में आए और फिर वो प्रमोट होके एजीएम चले गए। तो ये होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कैडर में। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप जब सीनियर मैनेजर बन जाएंगे या स्केल 4 बन जाएंगे तभी आप जनरलिस्ट ऑफिसर बन सकते हैं, उसके पहले भी आप जनरल बैंकिंग में स्विच कर सकते हैं, प्रोवाइडेड 7 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस आपको स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पर आपके पास हो, तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा और आप फिर जनरल बैंकिंग में मूव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये जो गलत र्यूमर्स थी वो क्लियर हुई होंगी। बेनिफिट की बात की जाए तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर को। सैलरी ऑफकोर्स ऑलमोस्ट पीओ जैसी होती है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको लो सैलरी मिलेगी, सैलरी के रिस्पेक्टिव में बहुत अच्छी सैलरी है। फिर आपको मैंडेटरी रूरल पोस्टिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रमोशन के लिए आपको रूरल पोस्टिंग करनी है, एक्सेप्ट फॉर दी AFO जो कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होते हैं, उनको रूरल एरियाज में काम करना पड़ता है। ऑल्सो आपकी हमेशा रीजनल ऑफिस या जोनल ऑफिस में ही पोस्टिंग होगी, तो आपको ऐसा नहीं है कि रूरल एरियाज में काम करना पड़ेगा, आपको अर्बन या मेट्रो सिटीज ही मिलेंगी। एंड सबसे बड़ा फायदा है गाइस कि आपको पब्लिक डीलिंग बहुत कम करनी पड़ेगी या ना के बराबर करनी पड़ेगी। मान लीजिए कल आप एक जर्नलिस्ट ऑफिसर बनते हैं तो ऑफकोर्स स्केल 3 या स्केल 4 में ही बनते हैं ज्यादातर लोग, तो वहां पे वैसे ही आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत कम हो जाएगी। सो ये सबसे बड़ा फायदा है कि आप पहले अपने कोर एरिया में काम कीजिए और फिर आप स्विच कीजिए जनरल बैंकिंग, जहां पे बहुत कम पब्लिक डीलिंग होगी उस लेवल पे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं वर्क प्रोफाइल क्या होती है पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो देखिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए होते हैं तो उनका प्रोफाइल भी अलग होता है। सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ AFO यानी कि एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर्स के बारे में। तो AFO में ही सबसे ज्यादा वैकेंसीज होती हैं जब भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का फॉर्म निकलता है, तो आपको रूरल एरियाज में ही काम करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा काम आपको पता है रूरल एरियाज में होगा, तो आपको जैसे लोन्स देना फार्मर्स को, रिकवरी करना लोन्स की, कोऑर्डिनेट करना नाबार्ड से, फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जैसे कि हाउसिंग और ये सारी जो चीजें हैं उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा।
और ओवरऑल जो रूरल एरियाज का डेवलपमेंट है, उनके लोन प्रोवाइड करना, उनकी नीड को फुलफिल करना, ये सब आपका काम रहेगा ब्रांच में आप बैठेंगे किसी। ठीक है, ये हो गई बात AFO की। दूसरा आता है लॉ ऑफिसर। तो लॉ ऑफिसर देखिए लीगल डिपार्टमेंट में ही उनकी पोस्टिंग होती है। इसमें देखिए लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको बनाने होंगे, आपको वेरीफाई करना होगा जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग टू लोन्स एंड अदर थिंग्स होते हैं ब्रांचेस के, वो देखना पड़ेगा। फिर अगर कोई केसेस हैं लीगल केस, उसमें आपको बैंक की तरफ से करना पड़ेगा काम। फिर ब्रांच स्टाफ्स को जो भी लीगल इश्यूज में हेल्प चाहिए, मान लीजिए कुछ केस चल रहे हैं ब्रांचेस में, तो उसमें आपको उनको हेल्प करना पड़ेगा, लॉयर्स से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो ये सब आपका काम होता है एज अ लॉ ऑफिसर। अब बात आती है मार्केटिंग ऑफिसर्स की। मार्केटिंग ऑफिसर्स आपको आइडिया होगा ही, सेल्स से रिलेटेड है इनका काम पूरी तरह से। तो सेल्स को प्रमोट करना, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचना, लोन्स प्रोवाइड करना, फिर कैंपेन्स कैसे हम बना सकते हैं नए नए टू इंक्रीज दी सेल्स, उस पर काम करना, फिर थर्ड जो वेंडर्स होते हैं उनसे बातें करना, ब्रांच स्टाफ से जो भी आपको हेल्प लेनी हो प्रमोशन के लिए वो करना, डिफरेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज से बात करना, इन टोटल की आपको जो भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स है, लोन्स है, उसका प्रमोशनल एंड थोड़ा बैंक को भी फायदा हो लॉस की जगह, इस पर आपको काम करना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं IT ऑफिसर्स की। तो देखिए आप सबको पता है ब्रांचेस बैंक्स जो है वो CBS पे मूव कर गए हैं, तो ऑलमोस्ट सारा काम आजकल कंप्यूटर पे ही होता है। सो हियर कम्स द रोल ऑफ एन IT ऑफिसर। एज एन IT ऑफिसर आपको कोई कोडिंग नहीं करनी है, क्योंकि मोस्टली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो बाहर से ही ये लोग बाय करते हैं, बट उनका मेंटेनेंस आपकी जिम्मेदारी होगी। सो आपको सर्वर मेंटेन करना, जो सॉफ्टवेयर है वो मेंटेन करना, एप्स वेबसाइट्स इस पर काम करना पड़ेगा। ऑल्सो IT डिपार्टमेंट में ही बहुत सारे अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं गाइज, जैसे डेटा सेंटर, ATM डिपार्टमेंट्स होता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, तो इसमें अलग अलग आपके काम रहेंगे। जैसे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आपका एंटीवायरस अपडेट करना, जो भी रिलेटेड है सेफ्टी ऑफ द सिस्टम, ऑफकोर्स इट्स अ फाइनेंशियल वर्ल्ड, तो आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी इस रिगार्ड में। सो ये सब काम होता है IT ऑफिसर का। फिर बात करते हैं HR ऑफिसर्स की। तो देखिए HR ऑफिसर्स इम्प्लॉयज से ही रिलेटेड होते हैं, इम्प्लॉयज की ट्रेनिंग, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सैलरी, लीव्स और ज्वाइनिंग प्रोसेस, ट्रांसफर्स, ये सबसे आपको डील करना पड़ेगा एज एन HR ऑफिसर। जो नेक्स्ट आता है वो है राजभाषा अधिकारी। तो मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, आई मे बी रॉन्ग एंड आई एम डेफिनेटली रॉन्ग ऑफ कोर्स, कि सबसे जो चिल्ड जॉब होती है बैंक में वो होती है राजभाषा अधिकारी की। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि 2-3 जोन में मैं रह चुकी हूँ, मैंने हमेशा जो राजभाषा अधिकारी मैम या सर रहते थे उनको हमेशा मतलब काफ़ी फ्री माइंडेड और काफ़ी यू नो विदाउट एनी प्रेशर काम करते हुए देखा है। तो मेरे माइंड में यही है कि सबसे चिल्ड जॉब उन्हीं की है, बट अगेन आई मे बी रॉन्ग। सो राजभाषा अधिकारी की एज द नेम सजेस्ट, हिंदी को प्रमोट करना होता है, तो स्टाफ की ट्रेनिंग देना हिंदी प्रमोशन में, यू नो टाइपिंग को इंक्रीज करना हिंदी में और कम्युनिकेशन हिंदी में इम्प्रूव करना, या फिर ब्रांचेस को ये बोलना कि आप हिंदी पे ज़्यादा जोर दीजिए, इन सब के इर्द गिर्द घूमता है इनका जो रोल होता है। फ्रेंड्स इसके अलावा भी बहुत सारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, या फिर सिक्योरिटी सिस्टम से जो रिलेटेड होते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर्स वो होते हैं, बट इनका क्या है बहुत रेगुलर वैकेंसीज नहीं निकलती, इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं समझाया है। सो ओवरऑल यही काम होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। सो जिनको भी ये डाउट था, आई होप थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी इस वीडियो से उन्हें, एंड डू लेट मी नो अगर आप ये जानना चाहते हैं क्या होता है एग्जाम पैटर्न, कैसे क्या प्रिपरेशन करनी होती है, एंड ऑल दोज रिलेटेड टू स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, आई विल टेक अ लीव। आप प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। टिल देन बाय।